एवरीवन, इट्स कृति। तो चलो आज फ्राई करते हैं रेनबो पेस्ट्री को। वैसे हमने बहुत दिनों के बाद कुछ फ्राई किया है, तो चलो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होता है। और हमने कुछ दिन पहले बनाया था रेनबो पेस्ट्री का डालगोना कैंडी, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लो। और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना, आई जस्ट वॉन्ट कि ये फ्राई करने के बाद भी इतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा रहे। वैसे अभी तक तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मीन्स ये जो बैटर है ना पैनकेक का, उसके अंदर से भी हमें बिल्कुल क्लियर कलर्स दिखाई दे रहे हैं। सो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और पता है क्या, जो पैनकेक का बैटर है ना काफ़ी क्रिस्पी फ्राई हुआ था। सो आई जस्ट वांट कि इसका टेस्ट अच्छा हो, और सरप्राइजिंगली इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे फ्रॉस्टिंग था ना वो मेल्ट हो गया था, बट फिर भी अच्छा लग रहा था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताओ कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है। और हमने लाइफ शॉट्स वाले चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, वो बिल्कुल भी मिस मत करना। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।